पंजाब सरकार दी कर कर नौकरी मुड़ चार चार अन्ना वंडे रियोड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू की हुण इस तरह सरकार बचाउणगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों तके खा रहे ने सूबे दे पढ़े लिखे नौजवान उदों नियमां नूं औखों परोखे करके विधायकां दे मुंडियां नूं मिलेगी सरकारी नौकरी घर घर नौकरी नूं लैके पंजाब सरकार मुड़ चर्चा च है चर्चा भी क्यों ना छिड़े क्योंकि घर घर नौकरी आम लोकां नूं ही नहीं सगों पंजाब सरकार दे मंत्रियां दे रिश्तेदारां नूं मिलन जा रही है मिले भी क्यों ना ओ जो ठहरे विधायकां ते कैबिनेट मंत्रियां दे रिश्तेदार एक पासे कैप्टन दे विरोधी बने कई विधायक ते मंत्री दिल्ली दरबार अपनी हाजरी लवा रहे ने ते दूजे पासे अपने खिलाफ बन रहे इस माहौल विचाले मुख्यमंत्री साहब दे विधायकां दे मुंडियां नूं सरकारी नौकरी देण दी तैयारी कर रहे ने हुण इह कैप्टन साहब दा अपना खेमा वड्डा करन दी कोशिश है या फिर विरोधी आवाज नूं दबाउण दी इह तां कैप्टन साहब ही जानदे ने दरअसल 2017 च कांग्रेस पार्टी ने घर घर नौकरी देने का वड्डा वादा किया सी तां जो बेरोजगार नौजवानों नूं रोजगार मिल सके इसे वादे नूं पूरा करने लई सरकार वल्लों संसद प्रताप सिंह बाजवा दे भरा विधायक फतेह जंग बाजवा दे पुत्तर नूं डीएसपी लगाउण लुधियाणा तों विधायक राकेश पांडे दे पुत्तर नूं तहसीलदार लगाउण दी तैयारी की जा रही है दलील यह भी दी जा रही है कि इन्हां दोवें विधायकां दे पिता वख-वख अत्तवादी हमले दे विच मारे गए सन इसलिए तरस दे आधार ते नौकरी दीआं रियौड़ियां इन्हां विधायकां दे मुंडियां नूं वंडियां जा रहीआं ने दूजे पासे जेकर सूत्रां दी मन्निए तां दावा कीता जा रहा है कि संबंधित विभाग दे अधिकारियां दे वल्लों इस ते इतराज जताया जा रहा है इसलिए हुण कैप्टन सरकार अगली होण वाली कैबिनेट दी मीटिंग च मौजूदा नियमां नूं खोखला करके नियुक्ति दा राह पधरा करन दी ताक दे विच है तरस के आधार से नौकरियां देने के नियम की कहते हैं वह भी तुहानू दसते हैं नियमों के मुताबिक अतवादी हमले च मारे गए परिवारों नू आर्थिक हालात वेख के नौकरियां दित्तियां जानियां ने नौकरी देने तो पहला यह भी देखा जाता है कि नौकरी लैन वाला शख्स मरण वाले ते किन्ना क निर्भर सी सुप्रीम कोर्ट अजिहे हालात च नौकरी देने लई समा हद भी तय कर चुका है जबकि फतेह जंग बाजवा ते राकेश पांडे दे पिता दीआं मौतां होईआं नूं 30 साल तों वध दा समां हो चुका है अते दोवें विधायक खांदे पींदे परिवारां दे विचों ने जिन्हां नूं पैसे धेले दी कोई घाट नहीं है उधर दूजे पासे फिरदे बेरोजगारां दी वी फरियाद सुन लवो जिथे बेरोजगार सांझे मोर्चे दे साथी 153 दिन तों सिक्ख्या मंत्री बजिंदर सिंगला जी दी कोठी दे अगे बैठे ने उत्ते पंजाब सरकार का इन्हां वल कोई ध्यान ना हो के यह अपना घर घर नौकरी का वादा अपने ही विधायकों डीएसपी लगा के ज तहसीलदार लगा के पूरा करती नज़र आ रही है जिस पर असी इन्हां नूं लख लख विकलांगता पा रहे हैं जिस तरह पिछे जो उन्होंने बेअंत सिंह के पोते नूं तरसरे आधार से नौकरी दी है उस तरीके हुण यह फतेह जंग बाजवा एक होर विधायक के पुत पोतरे जी है यह नौकरी दे रहे हैं तहसीलदार लगा रहे हैं डीएसपी लगा रहे हैं इन्हों नूं शर्म आनी चाहिए है भी जिहड़े गरीब बेरोजगार जिहड़े सारी योग्यता पास ने वह इत्थे सड़कां ते रुल रहे ने पंजाब दे बेरोजगार सांझे मोर्चे वालों मैं सुखविंदर सिंह ढलवां पंजाब सरकार दे इस कदम की सख्त निखेधी करते हैं तो आने वाले समय दे विच इस गल का ऐलान करते हैं कि वोटां दे मौके जदों पंजाब सरकार दे कांग्रेस सरकार दे विधायक जां वोटां मंगण वाले लोग पंजाब दे लोकां दे घरां विच आउणगे तां जबरदस्त विरोध किया जाऊ ते इस गल का हिसाब मंगिया जाऊगा पंजाब दे लोकां वल्लों साफ है कि जेकर कैप्टन सरकार ये नौकरियां वंडदी है तो नियमों तो अखा मीटनिया लाजमी ने भावें इस तरह नौकरियां देने का कैप्टन नूं सियासी तौर पर इसका लाभ होवे पर पंजाब दे उन्हां बेरोजगार नौजवानों के लिए बेइंसाफी जरूर होगी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पिछले 4 सालों तो कैप्टन साहब के वादे की उड़ीक कर रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़